Assalamu alaikum students, new lecture ke saath, ek new concept ke saath hazir hoon, Farhan Yousaf. Aur is lecture ke andar jo cheez hum understand karenge, jo cheez hum dekhenge aur jo cheez hum practice karenge, wo relevant MCQs hain, relevant MCQs ki exercise hai. किस हवाले से और किसके रेलेवेंट जो हमने टॉपिक्स लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किए थे, जो हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस के चैप्टर के अंदर से यूएचएस के सिलेक्टेड टॉपिक्स को जब हमने पढ़ा ब्रीफ किया, तो उस हवाले से जो एक्सरसाइज एमसीक्यू की पॉसिबल बन सकती है वो मैं अब इस लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात कहते हैं आपसे, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि जो इल्म की दुनिया चैनल है इसके थ्रू जो आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उम्मीद है कि बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए और आप इसके थ्रू अपनी MDCAT की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी और तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें कि ताकि जो भी नई हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके. तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जो हमने आज करनी है, जो रेलिवेंट टू द गैसेज चैप्टर जो हमारे पास था उसके टॉपिक के हवाले से है. तो यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्टेड MCQs करूँगा जो कि तमाम के तमाम टॉपिक्स को कवर करते होंगे जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. तो फर्स्ट MCQ की हम बात करते हैं और जो फर्स्ट MCQ इस वक्त हम देखने लगे हैं वो रिलेटेड टू द चार्ल्स लॉ है. हमने चार्ल्स लॉ लास्ट टाइम पढ़ा था और चार्ल्स लॉ के हवाले से अब हम फर्स्ट MCQ अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. तो हमारे पास MCQ की जो स्टेटमेंट है वो हम राइट कर लेते हैं कि MCQ हमें क्या कह रहा है. व्हेन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, तो आपने करना ये है कि चूंकि हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को राइट करने से पहले, यानी जब मैं स्टेटमेंट जब तक राइट कर रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लें जो हमने चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा था और उसकी जो स्टेटमेंट थी हमारे पास उसको आप देख लें. हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो इस रिलेशन को लेते हुए हमने इसकी फाइनल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसको भी डिराइव किया था और वो एक्सप्रेशन जो हमारे पास था वो हमने कहा था कि वो था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. ठीक है, हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था लास्ट टाइम और इसके बाद हम इससे ही ऑनवर्ड अब ये MCQ सॉल्व करेंगे इसको लेते हुए. तो स्टेटमेंट को पहले एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इस स्टेटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास बेसिकली है क्या, ये स्टेटमेंट हमें एक तो वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये कि ये इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है. यानी हम सिंपली कह सकते हैं T1, T2 और V1 हमारे पास गिवन है, हमने V2 फाइंड आउट करना है. और स्टेटमेंट हमें ये बात कह रही है कि हमने इन पॉसिबल आंसर्स के अंदर वो आंसर देखना है कि जिसके साथ मैं अपना V1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फाइनल V2 रिजल्ट जो है वो आ जाए. ठीक है, तो जो पॉसिबल हमारे पास आंसर हैं वो कौन से होंगे. फर्स्ट हमारे पास है 6/100, सेकेंड हमारे पास है 273/373, थर्ड हमारे पास है 100/0 और जो लास्ट हमारे पास है वो है 373/273. तो जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ की जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने देखा था इस टॉपिक के अंदर वो हमने भी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया, वो था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की और इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आपने चैप्टर नंबर 3 में ये बात देखी होगी कि हम केल्विन स्केल यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए, कि जिसके तहत हम टेम्परेचर को इंसर्ट करते हैं इस फार्मूला के अंदर. तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दोनों जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी और फाइनल टेम्परेचर भी, ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस के अंदर, यानी सेल्सियस स्केल के अंदर मौजूद हैं. हमें सबसे पहले इस सेल्सियस स्केल के हामिल जो हमारा टेम्परेचर है इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में
और उसके बाद हम इसको यूटिलाइज करते हुए अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन के स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर हो और उसे आपने कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, केल्विन स्केल के अंदर, तो आप सिंपली ये करते हैं कि आप इस टेम्परेचर को प्लस कर देते हैं विद 273। यानी अगर मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट्स सपोज क्योंकि अभी हमारे पास T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 चूंकि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये केल्विन स्केल में कितना होगा, इसमें मैंने जब प्लस कर दूंगा 273 तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो गिवन T2 है, ये T2 हमारे पास क्या है, सिंपली तौर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो गिवन है, अगर मैं इसके अंदर 273 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। ठीक हो गया। और चूंकि मैंने इस एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं V2 किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी रीअरेंजमेंट करूंगा और इस रीअरेंजमेंट के थ्रू फाइनल रिजल्ट मैं गेट करने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली होगा क्या कि चूंकि मैंने V2 फाइंड आउट करना है तो ये T2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन गेट करूंगा इस हवाले से इस MCQ को सॉल्व करने के लिए, वो होगा V2 इज इक्वल टू T2 by T1 into V1, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमें क्या डिमांड कर रही है हमसे कि when 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने बात पढ़ी है कि चार्ज्ला के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसने खुद बता दिया है इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये इनिशियल टेम्परेचर T1 है, ये फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो वो हमसे डिमांड कर रहा है द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो चाहिए है फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम रिजल्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की रेशो चाहिए है कि जिस रेशो के साथ, यानी जिस फ्रैक्शन के साथ हम क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हुए फाइनल वॉल्यूम गेट करेंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो इसमें हमारे पास T2 ऊपर, T1 नीचे और हम V1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इसका होगा। ठीक है, तो हमारे पास T2 और T1 क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये T2 हमारे पास 373 है और ये T1 हमारे पास 273 है। ठीक है, तो सिंपली हम T2 की जगह पर 373 राइट करेंगे और T1 की जगह पर 273 राइट करेंगे। तो अगर हम इन अपने ऑप्शंस पे गौर करते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, इट इज़ द राइट ऑप्शन, के जो हमें राइट आइडिया प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं 373 डिवाइडेड बाई 273 को मल्टीप्लाई करता हूँ विद इनिशियल वॉल्यूम, तो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा गैस का, कि जब मैंने उसको टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक हीट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इस MCQ को पॉसिबल वे में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक हो गया। अगर हम अपने नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट MCQ इस वक्त हम डिस्कस करने लगे हैं वो जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से है, और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये MCQ आपका बहुत आइडिया भी जो है, यानी जो आप कह लें सिंपली के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शार्प भी कर देगा। तो नेक्स्ट MCQ की हम बात करते हैं, जैसे हमने जनरल गैस इक्वेशन की बात की थी, तो जनरल गैस इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी वो थी PV इज इक्वल टू nRT, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी, ये इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन था। जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास था वो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 था। हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ही हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट देख लें, पहले स्टेटमेंट हमें है, हमारे पास है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैं टी लिख रहा हूं उसके लिए, ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर हम दो चीजें चेंज कर रहे हैं, एक तो हम ये कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमने जो चीज़ चेंज की है वो हमारे पास है प्रेशर, हम प्रेशर को चेंज करेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हम फिर वॉल्यूम को डिमांड करेंगे, कि वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम क्या हो सकता है, रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी
अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास था P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 over T2. तो आपने इसको रीअरेंज करना है और V2 को फाइंड आउट करना है कि V2 हमारे पास क्या होगा, विल बी. फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि रिमेन सेम, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर. जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है रिड्यूस टू हाफ, यानी रिड्यूस टू 1/4. जो सी ऑप्शन हमारे पास है वो है इंक्रीज 4 times. और जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है वो हमारे पास सिंपली है बी डबल, यानी डबल हो जाएगा, बिकम्स डबल. तो हमने देखना ये है कि अब इसमें से हमारे पास वो कौन सा रेलेवेंट आंसर है जो कि सूटेबल है, बेस्ट सूटेबल है फॉर द स्टेटमेंट जो कि हमने अभी राइट की थी. ठीक हो गया. जो एक्सप्रेशन मैं इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 है. ठीक है. अब हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम यानी V2 है वो क्या होगा, यानी V2 आया सेम रहेगा, V2 रिड्यूस हो जाएगा 1/4 के साथ, या इंक्रीज हो जाएगा 4 times, या वो डबल हो जाएगा 2 times हो जाएगा. ठीक है. तो हम चूंकि V2 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूंगा, और जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूंगा तो ये फैक्टर जो है ये दूसरी तरफ जाएगा और रेसिप्रोक हो जाएगा. ठीक है. तो P1V1/T1 हम सिंपली ये देखेंगे कि यहाँ पर ये रेसिप्रोक होगा, तो T2 into P2. ठीक है. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है कि जिसके ज़रिए से हम अपना फाइनल रिजल्ट जो है, यानी फाइनल आउटपुट जो है वो गेट करेंगे. ठीक हो गया. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि हम खुद से इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर खुद से सपोज करेंगे, और इस सपोजिशन के हामिल जो वैल्यूज़ हैं इसको इस क्वेश्चन यानी इस एक्सप्रेशन में राइट करते हुए हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे. ठीक है. तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक सिंपली हम कह सकते हैं कि एजम्पशंस को यूज़ करते हुए, एज्यूम करते हुए कि इनिशियल प्रेशर क्या हो सकता है, फाइनल प्रेशर क्या हो सकता है, इनिशियल टेम्परेचर क्या हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर क्या हो सकता है, इसको यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका बेस्ट वे में राइट ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे. तो जैसे हमारे पास है कि हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर P1 हमारे पास P है, और इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास T है, और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V है. ठीक है. अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस डबल्स, ठीक है, यानी इसको डबल हमने कर दिया है, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर अब क्या बन चुका है, यानी हम पहले फाइनल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो ये 2T बन जाएगा. ठीक हो गया. और हमारे पास जो प्रेशर है वो हम कह रहे हैं कि वो हाफ हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि P2 हमारे पास अब इस वक्त क्या है, P/2 हो जाएगा, और V2 हमने फाइंड आउट करना है. तो मैं अगर इन तमाम वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है, या वो डिक्रीज़ हुआ है, या वो सेम रहा है. ठीक हो गया. तो मैं जल्दी से इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन के अंदर. मेरे पास P1 यहाँ पर है, जो V1 हमारे पास है वो हमारे पास सिंपली है V. इसके साथ यानी लेट सपोज मैं V को भी कोई वैल्यू जो है वो साइन कर देता हूँ. लेट सपोज मैं इसे कहता हूँ ये 1 dm³ है, 1 dm³. ठीक है. तो 1 dm³ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 1 राइट करूँगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है T2, और T2 मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो है 2T आ जाएगा. ठीक हो गया. ओवर T1 इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है T, और जो फाइनल प्रेशर हमारे पास है वो है P/2. मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा और इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद अपना आउटपुट रिजल्ट गेट करूँगा. अब किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा P(1)(2T)(2) ओवर T इंटू
पी आ जाएगा। अब ये पी इस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम सिंपली देखेंगे 2 into 2 विल बिकम्स 4। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की कंडीशन को अप्लाई करते हुए, तो जो फाइनल वॉल्यूम हमने गेट किया है वो 4 है। इट मींस के अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देते हैं और प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं हाफ के साथ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सिंपली देखेंगे कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है इस एमसीक्यू की, वो सही और राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने ये बात देखी कि हमने कुछ चीज़ों को खुद से सपोज किया, कुछ वैल्यूज़ को खुद से सपोज किया और उनके बिहाफ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि जब आपके पास जब भी स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ गिवन हो कि टेम्परेचर हम इतने टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर हम इतने टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको खुद से ये चीज़ें सेट करनी है कि इनिशियल टेम्परेचर फिर क्या हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर क्या हो सकता है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर जो हैं उनके हवाले से हम क्या एक्सप्रेशन राइट करेंगे। ठीक है, तो इतनी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद से सपोज करते हुए अपने क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के हवाले से, और ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो रिलेटेड टू द जनरल गैस इक्वेशन ही है, लेकिन इस वक्त हम जो चीज़ देख रहे हैं वो जनरल गैस इक्वेशन में जो आर की वैल्यू है, जनरल गैस कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल गैस कांस्टेंट की, तो जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हमने डिराइव किया था वो एक्सप्रेशन, हमने ये बात देखी थी कि हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था बाय यूजिंग द लॉस, गैसेस लॉ। ठीक है, और वो कौन कौन से थे, वो तीनों के तीनों लॉ जो थे वो थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। हमने इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हमने जनरल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन थी उसको डिराइव किया था। ठीक हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि जो जनरल गैस इक्वेशन के अंदर मौजूद जो आर था, यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि जनरल गैस कांस्टेंट वैल्यू थी, यानी कांस्टेंट जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हमने करवाया था उस एक्सप्रेशन के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। देखें, आपने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी, जब हमने जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से फिर जनरल गैस कांस्टेंट की बात की थी, तो उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है, यानी जो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो P1 is equal to nRT, यहाँ से हम R निकाल रहे हैं PV/NT। तो हम अगर सिंपली इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनके यूनिट्स को चेंज कर दें, तो ओवरऑल आर की वैल्यू में फ़र्क आएगा, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे एसटीपी कंडीशन पे ये डिमांड की जाए कि आप आर की वैल्यू बता दें, तो वो कुछ और होगी। अगर आपसे डिमांड की जाए एसआई यूनिट में आर की वैल्यू क्या होगी, तो वो जाहिर सी बात है फिर कुछ और होगी, क्योंकि जब यूनिट्स चेंज करते हैं तो यूनिट के साथ साथ ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हम यही इस पर डिस्कस करने लगे हैं इस एमसीक्यू के अंदर। What will be the? Value of R unit. यानी हम ये देख रहे हैं कि एस आर यूनिट के अंदर R की क्या वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 0.0821 atm/dm³/mol/kelvin। बी ऑप्शन हमारे पास इसके हवाले से क्या है, 62.4 torr/dm³/mol/kelvin। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 62 400 cm³/torr/kelvin/mol। और फाइनल हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, 8.3143 joule/mol/kelvin। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ हमें आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स के ऊपर आर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं,
बल्कि साथ ही साथ इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हम फाइनल रिजल्ट गेट करेंगे, अपना पॉसिबल आंसर ढूंढेंगे, उसमें कुछ चेंज भी है। और वो चेंज किस तरीके से है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमें यूनिट की कन्वर्जन भी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कोई एक स्पेसिफिक यूनिट किसी दूसरे स्पेसिफिक यूनिट के कितने इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं एस आई यूनिट की, तो एस आई यूनिट ऑफ आर, यानी आर की वैल्यू एट इन एस आई यूनिट, हम सिंपली ये कहेंगे कि इसके लिए हम प्रेशर जो यूज़ करेंगे, जो प्रेशर की वैल्यू यूज़ करेंगे और जो प्रेशर के लिए यूनिट यूज़ करेंगे वो एस आई होगा। सेकेंडली तौर पर हम जो वॉल्यूम के लिए वैल्यू यूज़ करेंगे और जो यूनिट यूज़ करेंगे वो सिस्टम इंटरनेशनल मतलब एस आई यूनिट उसका हम लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू की बात करते हैं और उसको हम निकालते हैं इन एस आई यूनिट, तो उसके लिए हम जो नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं वो 1 मोल है, जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो 273 केल्विन है, जो हम प्रेशर ले रहे होते हैं वो 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो हम वॉल्यूम ले रहे होते हैं वो कितना होता है, 0.0224 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यानी हम जब भी एस आई यूनिट की बात करेंगे तो एस आई यूनिट के अंदर हमारे पास प्रेशर वैल्यू जो हम लेंगे, प्रेशर वो हम लेंगे 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हम लेंगे 0.0224 सेंटीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे हैं, टेम्परेचर हम रूम 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन जो है वो हम टेम्परेचर ले रहे होते हैं, और इसके थ्रू हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं और फाइनल रिजल्ट गेट करते हैं, इसके अंदर पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो गेट करेंगे वो होगा 8.3143, और जो हमारे पास यूनिट आएगा फॉर दिस फाइनल रिजल्ट वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, वो होगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब अगर हम देखें तो जो हमने रिजल्ट गेट किया है 8.3143 जो हमने रिजल्ट गेट किया है, इसके साथ जो यूनिट हम लिख रहे हैं वो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है। अगर हम इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारे पास है इसके साथ लगे हुए यूनिट्स के साथ ये रिजल्ट हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, ठीक है, तो आपको यूनिट्स की कन्वर्जन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जॉल जो है वो कितने यानी किस तरह से इक्विवेलेंट है विद द न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपली ये बात देखते हैं कि 1 जॉल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बिहाफ पर जॉल भी लिख दूंगा तो फिर एज अ होल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे पास जो इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन बनती है वो डी ऑप्शन है, जो हमारे पास है 8.143 जॉल पर मोल पर केल्विन, और ये हमारे पास रेलेवेंट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के हवाले से, जो राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू के अंदर हमने जो चीज़ देखी है वो ये कि एक तो जनरल गैस इक्वेशन के एक्सप्रेशन को यूटिलाइज़ किया, दूसरा ये कि हमने ये भी देखा है इस एमसीक्यू के अंदर कि किस तरीके से हम यूनिट्स के कन्वर्जन को भी करते हैं और डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर किस तरीके से आर की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हम सॉल्व करेंगे वो भी रिलेटेड टू द जनरल गैस इक्वेशन और उस एक्सप्रेशन के हवाले से है, और उसको ही यूटिलाइज़ करते हुए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलेटेड टू द जनरल गैस इक्वेशन है, तो जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो वही है PV इज इक्वल टू NRT, और इसी को ही यूटिलाइज़ करते हुए, इसी को ही रीअरेंज करते हुए मैं अपने क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर तक पहुंचूंगा। जो स्टेटमेंट हमारे पास सामने है इस वक्त वो है एट 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त स्टेटमेंट है उसके अंदर जो गिवन डाटा है उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेशर है जो गिवन है, ठीक है, और वो प्रेशर हमारे पास है ATM के अंदर, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर यूनिट है इसका, ATM में हमारे पास गिवन प्रेशर है। सेकेंडली तौर पे हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है हमारे पास टेम्परेचर 300 केल्विन, और हमसे जो चीज़ डिमांड की जा रही है वो क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ लास्ट में गिवन है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम हम ले चुके हैं
इस वक्त हम वॉल्यूम की बात ही करेंगे, ठीक है. मोल्स आर प्रेशर, ठीक है, इन 15 डीएम क्यूब ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है. यानी अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गिवन गैस जिसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर हमारे पास 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर जो इस पर प्लाव रहा है वो 300 केल्विन है. अब हमारे पास जो फाइनल चीज़ आने वाली है जो इस एक्सप्रेशन के अंदर यूटिलाइज होगी वो है वॉल्यूम. पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर, ये जो एक्सप्रेशन मैंने राइट किया है इसमें से मैं एन को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. P भी गिवन है, V भी गिवन है, T भी गिवन है और R की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड की जाएगी. ठीक हो गया. तो हमारे पास जो लास्ट चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास क्या है, वो है वॉल्यूम. और जो वॉल्यूम के लिए हमारे पास यूनिट्स गिवन है वो है डी एम क्यूब के अंदर. ठीक हो गया. ऑफ ओ टू गैस और हमारे पास R भी दिया हुआ है और वो है 0.1 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं जनरल गैस एक्सप्रेशन की और उसके थ्रू हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं रिलेवेंट टू द न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है, तो हमें ये बात देखना होता है कि हमारे पास इनिशियली तौर पे उस स्टेटमेंट के अंदर प्रेशर का यूनिट क्या है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है. जो प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट होगा उससे रेलेवेंट ही हम आर की वैल्यू को लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास मिसमैच हो जाएगा यूनिट ऑफ आर और जो हमारे पास इनिशियल तौर पे वॉल्यूम और प्रेशर है उसके यूनिट्स के हवाले से अगर हम देखेंगे मिसमैच हो जाएगा तो जो रिजल्ट हम गेट करेंगे वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, वो रिजल्ट ठीक नहीं होगा. ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास इनिशियल तौर पे प्रेशर एटीएम के अंदर दिया हुआ है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो आर की वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन होगी. अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो एटीएम के बजाय, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम देखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब के अंदर होता, तो जो मैं आर की वैल्यू यूटिलाइज करता, जो मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी 8.134 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, मैं वो आर की वैल्यू यूटिलाइज करता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो आपने सबसे पहले जब एमसीक्यू की स्टेटमेंट को पढ़ना है तो उसमें ये बात एसेस कर लेनी है कि गिवन हमारे पास जो वैल्यूज हैं प्रेशर और वॉल्यूम की वो किन यूनिट्स में दी हुई हैं, तो इस हवाले से मैं फिर कौन सा आर का जो आर की वैल्यू है वो मैं लगाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर और इसको सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो पॉसिबल जो हमारे पास आंसर्स गिवन है वो ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 2.5 मोल्स, बी हमारे पास है 1.5 मोल्स, सी हमारे पास है 5 मोल, सी हमारे पास है 0.25 मोल और डी हमारे पास सिंपली क्या है 2 मोल. ये हमारे पास पॉसिबल राइट ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक राइट ऑप्शन होगी हमारे इस क्वेश्चन से रेलेवेंट. ठीक है, हमने करना क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए इसके अंदर से n को फाइंड आउट करना है. तो अगर मैंने n को फाइंड आउट करना है तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा, पी वी बाय आर टी हो जाएगा. इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है 5 atm प्रेशर, 300 केल्विन टेम्परेचर और वॉल्यूम हमारे पास है 15 dm क्यूब. ठीक है, और r की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो इसके थ्रू जो मैं रिजल्ट गेट करूंगा वो मेरे पास सिंपली क्या होगा, वो मेरे पास 2.5 मोल्स होगा. ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन इसके अंदर बनती है वो ये ऑप्शन है. सिंपली आपने इन वैल्यूज को इस क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका है वो आ जाएगा, जो राइट ऑप्शन पॉसिबल वे में बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. ठीक है, और नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमें क्या चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. ठीक हो गया, नेक्स्ट जो इस वक्त एमसीक्यू हम सॉल्व करने लगे हैं वो हम आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का जो हमने कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप किया था, हम उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम देखेंगे कि कौन सी हमारे पास पॉसिबल जो गैसेस गिवन होंगी इनमें से कौन सी गैस जो है वो आइडियल हो सकती है, मोर आइडियल हो सकती है, और कौन सी गैसेस हैं कि जो मोर आइडियल नॉन आइडियल बिहेव करेंगी, यानी डेविएशन शो करेंगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आइडियल गैसेस सिंपली वो गैसेस होती हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिंपली क्या हो,
नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मौजूद हो. एक तो ये बात मैंने कही थी आयरल गैसेस के हवाले से, और दूसरी बात मैंने कही थी कि उनका वॉल्यूम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस विसल और सिलेंडर. ठीक है, तो हम इस पर देखेंगे कि कौन सी हमारे पास गैस जो है वो नॉन आयरल गैस कहलाएगी. तो जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव मिनिमम डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर. तो डेविएशन आइडल बिहेवियर से कोई गैस क्यों करती है, वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये कि उनके दरमियान, उनके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और दूसरा ये कि उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल और सिलेंडर जिसमें हमने उस गैस को इंक्लोज किया होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो है वो है हीलियम, सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास है वो है नाइट्रोजन गैस, थर्ड ऑप्शन मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस, और फोर्थ ऑप्शन जो मेरे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सी गैस हमारे पास जो है वो नॉन आइडियली बिहेव करेगी, यानी डेविएशन शो करेगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ठीक हो गया, तो अगर हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था आइडियल और नॉन आइडियल गैसेज में डिफ्रेंसिएशन करवाई थी, कंपेरिजन दिया था आप लोगों को, तो ये जो हमारे पास गैसेज हैं इनमें से वो गैस आइडियली बिहेव करेगी जो पर्टिकुलरली स्मॉल इन साइज होगी, जो पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा सिंपली हम कहेंगे कि नॉन पोलर होगी, क्योंकि नॉन पोलर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, और स्मॉल इन साइज के होने की वजह से सिंपली हम कहेंगे कि ये इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और द गैस. ठीक है, तो इन तमाम के अंदर अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो है हीलियम. ठीक है, एक तो ये कि इसका साइज बहुत छोटा है, यानी अगर हम बात बाकी की करते हैं, हाइड्रोजन की इवन बात करते हैं, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो इन गैसेस की निस्बत इनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है. एक तो ये, इसलिए इसका वॉल्यूम यानी इंडिविजुअल हीलियम एटम का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हम कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस. दूसरी बात के जो इसको समहाउ आइडियल बना देती है और इसकी डेविएशन मिनिमम होती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो इसलिए कि ये टिपिकली तौर पे नॉन पोलर गैस है. ठीक है, क्योंकि एक ही एटम यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल ये गैस है, तो इनमें क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है. हम ये बात जानते हैं कि द पोलराइजेबिलिटी विल इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज ऑफ साइज. जब साइज इंक्रीज होता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का मुमकिन है कि होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन होगी तो फिर जो वंडरवाल फोर्सेस थी वो डेवलप हो जाएंगी. तो चूंकि ये साइज बहुत छोटा है तो फिर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, नॉन पोलर है. ठीक है, इसलिए हम सिंपली ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगी, ये लेस या मिनिमम डेविएशन शो करेगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो ए ऑप्शन है, जो कि हीलियम गैस है. ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया. ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट MCQ इससे रेलेवेंट बन सकता है, यानी जो हमने टॉपिक्स इस स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किए थे वो भी रिलेटेड टू द आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस है. ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपसे लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था अपने लेक्चर नंबर 11 के अंदर, वो मैंने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के हवाले से बताया था कि वो कौन सी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है जिस पे कोई एक पर्टिकुलर गैस आइडियली बिहेव करती है और एक पर्टिकुलर गैस नॉन आइडियली बिहेव करती है. तो उससे रेलिवेंट हमारे पास MCQ है, स्टेटमेंट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ कंडीशन, मेन कंडीशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन थी कि जिसके बेस पर हमने ये कहा था
कि हमारे पास जो रियल एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने राइट ऑप्शंस, यानी जो पॉसिबल वे में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट है हमारे पास एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और जो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन इसका है वो है एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो सी ऑप्शन इसका बनता है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये हमारे पास पॉसिबल कुछ ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के, अगर हम बात करें और अपना जो कॉन्सेप्ट था आइडियल और नॉन आइडियल वाला वो रिकॉल करें, तो उसके तहत हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, Which of the following are the main conditions of deviation of the real gases from the ideal behavior? यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जिस पे कि मैक्सिमम डेविएशन जो आइडियल रियल गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर से शो करेंगी। तो मैंने आपसे कहा था कि फिर वो कौन सी कंडीशन होंगी, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेज जो हैं वो टिपिकली तौर पे नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ को मूव कर जाएंगी। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन की फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम होंगी और जो हमारे पास वॉल्यूम है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या खराबी या क्या गलत है। एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जब भी आप किसी एक गैस को लो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आइडियल बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता है, ना कि वो नॉन आइडियली बिहेव करे, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके से एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अब ये टोटली ऑपोजिट हो गया है। लो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं, सॉरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस जो हैं वो मैक्सिमम क्या करेंगी, सिंपली वो आइडियली बिहेव करेंगे जिनमें कि गैस पार्टिकल्स बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जब आप हाई टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये चीज़ रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ वही ऑलमोस्ट ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास ये हाई है और ये ठीक है लो, यानी अब सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके अंदर अपना डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हाई प्रेशर और वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट टू द आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशंस जो हमने समझी थी पढ़ी थी, ठीक है, उनसे रेलेवेंट नहीं है। हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है, और ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो ठीक है, रिलेटेड टू द आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एमसीक्यू की एक्सरसाइज थी जो हमने रेलेवेंट टू द टॉपिक्स जो गैसेस के चैप्टर में से पढ़े थे उसके हवाले से डिस्कस की, और हमने ये देखा कि किस तरीके से उनसे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज आएंगे उनको हम अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए उसे सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ भी आई होगी और आप लोगों के जहन में ये चीज़ डेवलप हो चुकी होगी कि किस टाइप का एमसीक्यू बनेगा और उसको किस तरीके से मैंने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पोर्शन के साथ हम नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।